मैं गायक दीपक जिंदार और जितने भी चैनल के माध्यम से जितने लोग देखने वाले जानने सुनने वाले हैं सबको मेरा प्रणाम है। और मैं अभी फिल्म लहू के दुश्मन के सेट से आप सभी से बात कर रहा हूँ और तमाम मीडिया सब जितने लोग हैं सबको मेरा प्रणाम है और सभी चैनल के जो भी है बॉलीवुड एडी सब मैंने जो भी चैनल है सबको मेरा प्रणाम है। और मैं चाहूँगा कि प्यार स्नेह दुलार आपको बनाए रखे छोटे भाई के। तो बताइए फिल्म के बारे में क्या कहानी, किस तरह का कहानी है और क्या आपका किरदार है उसके बारे में बताइए थोड़ा। कहानी बहुत ही प्यारा है और इसके निर्देशक संतराम जी हैं पहले नंबर, वो डायरेक्टर भी हैं और इसको खुद लिखे भी हैं तो अच्छे सजा हैं। और इसमें मैं एक बड़ा बेटा का रोल कर रहा हूँ, छोटे बेटे का सर, जो कि मैंने एक होना चाहिए और एक मेरे सौतेले भाई रहते हैं तो उसमें बड़ी है परिवारिक कहानी है, उसमें बहुत कुछ देखने को सुनने को मिलेगा। मैम आप परिचय दीजिए, बताइए अपने बारे में, जो किरदार निभा रही हैं और जो अपने अभी ये एक्शन सीन क्या क्या ट्रेंड हैं आप एक्शन में या अभी आपको डायरेक्टर ने बताया तभी कि आपने। पहले तो सबको नमस्ते, मेरा नाम कामाक्षी ठाकुर है और मुझे मौका जो दिया है वो मुझे संतराम सर ने दिया है, जो हमारे डायरेक्टर सर हैं उन्होंने हमें काफ़ी कुछ सिखाया बताया। रहेगी एक्शन की बात तो वो मुझे स्टार्टिंग से ही, मैं टॉम बॉय की तरह रहती हूँ तो मुझे पसंद है ये सब करना तो, और खेलने में मज़ा आता है जब हमारे जो टीम के लोग हमें कोऑपरेट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मतलब जब मैं काम कर रही हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा है इस फिल्म का, बहुत अच्छा रहा है कि मैं मार्केट में कहीं भी जाऊंगी तो यहाँ कि मैं छोटी छोटी चीज़ें भी यूज़ करूं तो वहाँ काम आएगा, इतना कुछ सीखा मैंने इस फिल्म में। चाहे वो लेवल अच्छे के आर्टिस्ट हो या कोई भी हो, हमारे सब ने हमें बहुत ज़्यादा कॉपरेट किया इसीलिए मैं कर पा रही हूँ, नहीं तो मैं अभी नई हूँ इंडस्ट्री में। 4 फिल्में की है बट फ्लोर पे है, सब रनिंग में आने वाले हैं, टाइम लगेगा अभी, बट ये फिल्म में जो मुझे सीखने को मिला है उनमें नहीं मिला मुझे। तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आने का मतलब, 5 मिनट पीछे से शुरुआत की जाए, आपके बारे में जानना चाहूँगा कि ये जो प्रोजेक्ट है क्या किरदार है, क्या विषय है और कितने उत्साहित हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर। जी प्रणाम नमस्कार, मैं गायक दीपक दिलदार और जितने चैनल के माध्यम से लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं सबको मेरा प्रणाम है। और साना मूवी के बैनर तले फिल्म बन रही है जिसका नाम है लहू के दुश्मन, जिसमें बहुत ही अच्छा किरदार है मेरा और एक लहू के दुश्मन एक भाई मैंने जैसे कि क्या अपना ही खून धोखाबाज हो जाता है तो इसमें एक पारिवारिक फिल्म है और इसके डायरेक्टर हैं हमारे संतराम जी, इसके निर्माता हैं सदाम जी और बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही अच्छा लग रहा है काम करके। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ जैसे मेरे गाने को प्यार दुलार लोग दिए हैं वैसे ही इस फिल्म को भी प्यार दुलार देंगे। सर ये जानना चाहूँगा कि इससे पहले क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं और उस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए कि किस तरह का किरदार था, क्या प्रोजेक्ट था, म्यूज़िक एल्बम फिल्म क्या किया आपने। अभी मैंने लगातार मैं तो गायकी से शुरुआत किया और मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा हिट गाना रतिया कहाँ भी तोला था जो बॉलीवुड हाफ गर्लफ्रेंड में भी यूज किया गया है और ये बहुत बड़ा ब्लास्ट है, इसी से मुझे लोग जाने पहचाने कि दीपक दिलदार भी एक गायक है। और अनगिनत गाना रहा, ऐसा कोई जिला नहीं जो भोजपुरियों से हिला नहीं, ढेर गाना हमने दिया। तो दीपक जी ये बताइए कि ये जो फिल्म है आपके अलावा और भी कई कलाकार होंगे, कोई ऐसा नामी गामी चेहरा जो इस फिल्म में बताइए। जैसे कि मेन भूमिका में मैं हूँ और इसमें विलेन में है संजय पांडे जी और ऐसे बहुत लोग हैं, राजू रोमन जी हैं, जितेंद्र जी हैं और गुल्लूरी मेहता हैं, मैंने अच्छे। तो शूटिंग का अनुभव कैसा था, जितने शूटिंग हुआ कहाँ का शूटिंग हुआ और कब तक पर्दे पाने को मिले। अभी तक ये मेरा 9वां-10वां पिक्चर है। अच्छा, अभी जो कि लॉकडाउन के वजह से नहीं रिलीज हो पाया था और सब फ्लोर पे है और सब एडिट ओडिट वगैरह सब फाइनल हो चुका है टेबल से। अभी मेरा कल ट्रेलर रिलीज हो रहा है कैप्टन हिट्स से डायन। अच्छा, जो कि उसके निर्देशक हैं रितेश ठाकुर जी, तनुश्री हैं उसमें और अच्छा काम हुआ है फिल्म का, तो डायन कल रिलीज हो रहा है 21 दिसंबर। तो कब तक आने की ये फिल्म उम्मीद है, जो ये भी उम्मीद है आपको लगभग मैंने जनवरी में इसका भी ट्रेलर लॉन्च हो जाए। जी, आपको दिनेश जी हैं, खेसारी जी हैं, किससे प्रभावित हुए और हाँ किससे प्रभावित हुए, और ये भी जानना चाहूँगा कि गायकी करना और अभिनय करना दोनों लगभग हर कलाकार करता है, होता ना, तो किससे प्रभावित हुए और आपको अपने में क्या खूबी नज़र आती है कि किस तरह से आप देखते हैं अपने को गायक के तौर पर और अभिनेता के तौर पर। देखिए सबसे पहले तो मैं गायक हूँ और रही अभिनय की दुनिया में तो हर आदमी सीखता है, आजीवन सीखना पड़ता है,
कल कुछ देखने को मिला, कल कुछ मिला, तो हर एक जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखना ही है और मैं सभी से सीखता हूँ। जितने कलाकार का मैंने नाम लिया सब में क्या आपको खास नजर आता है? चलिए बात करें खेसारी जी की, तो खेसारी जी के कलाकार के तौर पर या इंसान के तौर पर मुलाकात तो हुई होगी, उनमें क्या खास नजर आया आपको? संग मिलू आदमी है, बोली विचार अच्छा है और अच्छे कलाकार हैं, वो भी हमारे तरफ से हैं और हम लोग घर की दूरियां मात्र 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर की दूरियां हैं और हम लोग एक क्षेत्र से हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं और मेरे अच्छे मित्र भी हैं, भाई भी हैं और हम लोग एक साथ भी कभी कभी कंपटीशन गाया करते थे, जब रामायण है वो गाते थे और मैं भी गाता था। पवन जी के बारे में जानना चाहूँगा कि पवन जी कैसे इंसान आपको नज़र आए और कलाकार के तौर पर क्या कंसेंट के बारे में? पवन भैया एक दिलेर इंसान है, मिजाजी आदमी है और उनका खूबी जो है वो सबको पता है, माँ भगवती कृपा है और स्पेशल उनकी आवाज़ में जो खासियत है वो हर एक कलाकार चाहता है कि वो होना चाहिए और सच में वो है, तो वो एक अलग चीज़ है और उससे भी बहुत कुछ सीखा मैंने। और जो भी लोग हैं, जो भी कलाकार, दिनेश लाल यादव जी के बारे में जितना कहूँ उतना कम है, बहुत कॉपरेटिव इंसान हैं और उनका विचार जो है उत्तम है और उतना ही सुंदर कलाकार हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे भी। और मैं फिल्म सौगंध जो किया था दिनेश भैया के साथ, काफ़ी उस फिल्म में मुझे, मैंने फिल्म दिनेश भैया के साथ किया था, वो सौगंध में दोस्त का रोल किया था, उसमें काफ़ी देखने और सुनने को सीखने को मिला, यही सब मेरा भाग्य है। और इस फिल्म में जो अभिनेत्री आपके साथ, उनके बारे में बताइए कैसी है, कैसा रहा है? मक्षी जी नाम है उनका, अच्छी है और अच्छा काम करी, सब लोग अच्छे हैं, कोई ख़राब नहीं होता है, सब लोग अच्छे होते हैं। नहीं, कॉपरेट कैसे कर रही है आपके साथ है? अभी हम देख रहे हैं सीन, एक सीन तो कॉपरेट कर रही है, नहीं कर रही है? नहीं नहीं, अच्छा अच्छा है, कोई कम्युनिकेशन अच्छा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या नाम है इनका बताइए जरा आप? कामाक्षी ठाकुर है, और ये बहुत ही अच्छी अभिनेत्री हैं, हमारे साथ ही काम कर रहे हैं, इनका स्वभाव विचार अच्छा है और लगन है, इनका जुनून है, भगवान इनको ढेर सारी तरक्की दें और ऐसे ही आगे बढ़ें और अपना नाम कमाएं। कौन से कलाकार के साथ काम किया है और कैसा अनुभव था काम करने का? ले तो नमस्ते, मैं कामाक्षी ठाकुर, पहली फिल्म मैंने की थी ओहारी दुपट्टे वाले, रामकिशन साहनी जी उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं और हीरो जो था सनी कुमार सनिया जी, सिंगर हैं वो भी। और उसके बाद मैंने किया था, समर सिंह जी थे, कनक यादव जी थे, सब लोग थे और जो प्रोड्यूसर थे वो संजय पांडे जी थे, जो अभी तक आया नहीं है फ्लोर पे। मैं नेगेटिव कैरेक्टर में थी, टॉम बॉय लुक था वहाँ पे भी मेरा, फाइट वाइट है उसमें भी। और यहाँ पे जो मैंने तीसरी फिल्म है मेरी लहू के दुश्मन दीपक दिलदार जी के साथ, जो आप लोग देख रहे हैं अभी, तो मतलब बहुत ये जो स्टोरी है बहुत ही टचिंग स्टोरी है, जो हर घर में होता है, भाई भाई का दुश्मन होता है, सिर्फ ज़मीन के लिए और पैसों के लिए जो होता है वो कहानी है। और यहाँ पे मेरे कोई फैमिली में मैं और मेरी मॉम है बस, और ये बाद में एंट्री होती है इनकी एज ए कज़न के हिसाब से, तो मैं ही सब फाइट फाइट करती हूँ। मेरा जो लुक है और जो मेरा बिहेवियर है घर में, मैं एक बेटे की तरह रहती हूँ, मुझे लड़कों से कोई अट्रैक्शन नहीं है, कुछ उस टाइप का मेरा रोल ही नहीं है इसमें। बट जब ये आते हैं, दीपक जी की एंट्री होती है, उसके बाद फिर मैं खेलना स्टार्ट करती हूँ। धीरे धीरे ये मुझे प्रोग्रेस में डालते हैं, सुधारते हैं, लड़कियों वाली फीलिंग लाते हैं मेरे अंदर, फिर आती है मेरे अंदर, तो मैं फिर सुधर जाती हूँ, ऐसा होता है। तो ये जानना चाहूँगा कि अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में आपने कब पदार्पण किया, कब से एक्टिंग करियर में, और भोजपुरी इंडस्ट्री को क्यों चुना काम करने के लिए, हिंदी को क्यों नहीं चुना? जी बिल्कुल, मैंने हिंदी में भी ट्राई किया था, मैं हिंदी में भी गई थी, बट वहाँ पे क्या मुझे थोड़ा सा लगा ना कि स्ट्रगल ज़्यादा है उसमें, और टाइम का क्या होता है ना, हम लोगों का टाइम बहुत कम होता है, खास करके एक्ट्रेस फीमेल का। तो मैंने बोला एक्टिंग ही तो है ना, चाहे वो भोजपुरी हो चाहे वो हिंदी हो, डजन मैटर। और आज के टाइम में आपको भी पता है कि भोजपुरी लैंग्वेज काफ़ी प्रोग्रेस में चल रही है, भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस में चल रही है, तो इसी वजह से मैंने किया, मतलब भोजपुरी लाइन में मैं आई। और आई तो जैसे संतरा अंसर है, बाकी के भी लोग बीच उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, तो मेरे लिए इजी हो गया काम करना, लैंग्वेज वैंग्वेज सब कुछ। ये बताइए जितने सब लोगों के साथ आपने काम किया उनके बारे में बताया, काफ़ी बड़े कलाकार भी हैं, पवन सिंह जी, खेसारी जी हैं, दिनेश जी, फिल्में ज़रूर देखते होंगे, शायद मिली भी होंगी, क्या क्या कहना चाहेंगे उनके व्यवहार के बारे में, उनका अभिनय जो कला? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं अगर मैं अभिनय के बारे में बोलूँगी तो पवन सर का तो मतलब कोई जवाब ही नहीं है, पवन सर को मैं बहुत ज़्यादा देखती भी हूँ, खेसारी जी को भी मैं देखती हूँ, खेसारी सर तो मतलब है ही अब के टाइम में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं उन लोगों को भी देखती हूँ, वहाँ तक जाने की कोशिश कर रही हूँ,
अभी तो मैं नहीं बोलूँगी कि क्या होने वाला है आगे, लेकिन हाँ जिस हिसाब से मुझे इसमें कोऑपरेशन मिला है डायरेक्टर की तरफ से, आर्टिस्ट के तरफ से, प्रोडक्शन के तरफ से, अपने स्पॉट्स हर एक तरफ से जो मुझे मिला है, तो मुझे लगता है कि हाँ अगर ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद लोगों का मिलता रहा तो शायद मैं उन लोगों के साथ भी एक मौका मुझे मिलेगा उनके साथ भी काम करने का। और अभिनेत्री के तौर पर किसे किसे पसंद करती हैं? अक्षरा जी हैं, काजल जी हैं, बहुत सारी अभिनेत्री हैं। अभिनेत्री के तौर पे मुझे काम सबका अच्छा लगता है, मैं पर्टिकुलर किसी को भी फॉलो नहीं करती हूँ, सॉरी फॉर दैट। मैं हिंदी के कंगना रनौत को मैं फॉलो करती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी नेचुरलिटी होती है, उनकी हर एक एक्टिंग में उनकी नेचुरलिटी होती है और उनके एक एक एक्सप्रेशन कुछ ना कुछ बोलने को चाहता है, तो मुझे वो चीज़ अच्छा लगता है। वो आँखों से बोलती हैं, जुबान से कम बोलती हैं, तो मैं चाहती हूँ उनकी तरह तो मैं नहीं बन पाई हूँ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि मैं उनकी तरह पाऊँ और इसी वजह से शायद कर रही हूँ तो लोग मुझे पसंद भी कर रहे हैं थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो अभी मैंने मार्केट में कुछ तो आया नहीं है। आपको लगता है आप में वो खूबी है जो कंगना की तारीफ कर रहे हैं कि मेरे को पसंद है, वो जो निर्भीकता है, फियरलेस नेचर है, जो बोलती हैं बेबाक, वैसा आप कर सकती हैं? जी बिल्कुल, ऑलरेडी मैं ऐसी ही हूँ, बेबाक ही हूँ। शायद आप मेरे सर से पूछेंगे तो मैं जो मुझे बोलना होता है मैं मुँह पे बोलती हूँ, शायद आप लोगों ने भी सेट पे देखा जो मुझे बोलना है मैं बोल देती हूँ, ठीक है। और मैं कभी सोचती नहीं हूँ बोलने से पहले अगर मैं सही हूँ तो, गलत होते हैं तो डर लगता है, और मुझे लगता है कि आप सही बोल रहे हैं तो सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, चाहे कोई भी हो, मैं हूँ चाहे कोई भी हो, तो मैं बोल देती हूँ। लेकिन मैं जगह देखती हूँ कि किसको क्या बोलना है, जैसे मुझे कुछ बोलना होता है, सर से भी कोई पर्सनली बात होती है तो मैं उनको पर्सनली ही बात करती हूँ, सबके सामने नहीं। और कंगना मैम की जहाँ तक बात है बेबाकी और उनकी एक्टिंग और उनकी पर्सनल लाइफ, तो पर्सनल लाइफ से किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, मैं तो नहीं करती हूँ, ऑब्वियस सी बात है, बट हाँ मैं उनकी हर एक चीज़ को फॉलो ज़रूर करती हूँ, और जब मैं फॉलो करती हूँ तो कहीं ना कहीं मैं कामयाब भी हो जाऊँगी, मुझे यकीन है मेरे ऊपर मैं कर लूँगी। आज नहीं कल तो मौका मिला, ऐसे ही मिलता रहा तो मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी। अच्छा कर रही थी, आपकी तारीफ की सपोर्ट करते हैं, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? बहुत अच्छा पिक्चर है, बहुत कॉपरेटिव है और इसका थोड़ा सा बर्निंग है, अच्छा थोड़ा सा कुछ और चीज़ें सुधार ले तो काफ़ी आगे जाएगी। तो काफ़ी दिनों से इस इंडस्ट्री में किस हीरोइन की झलक नज़र आई आपको? काफ़ी सारी हीरोइन के साथ काम किया होगा या जी जी बहुत क्या क्या खास नज़र आया इसमें? इसमें सबसे अच्छा कि कॉपरेशन है, अच्छा हाँ बहुत कॉपरेटिव है और बातों को थोड़ा समझती है, और जैसे मैं अगर थोड़ा सा बोला तो उसको ज़्यादा समझती है कि ऐसा करना चाहिए, और कोई भी गलती होती है, गलती तो हर चीज़ होती है, गलती होती है तुरंत सॉरी भी बोलती है, उस चीज़ का माफ़ी भी मांगती है। तो फिल्म प्रोजेक्ट ये कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं, क्या इसका मतलब रिलीज़ का डेट कब होगा और जो शूटिंग का अनुभव रहा है उसके अनुभव बताइए। ये हम जो पिक्चर बहुत अच्छा बनाए हैं, आप तो टाइटल से लोगों के दुश्मन, बहुत अच्छी फिल्म है और हमने कोशिश की है कि बहुत अच्छे लेवल पर जाए, और ये फिल्म तो हमारी और लास्ट डेट है शूटिंग कम्प्लीट हो गई है, अब ये हम जनरली लास्ट तक फिल्म हमारी मार्केट में आ जाएगी, बाकी पिक्चर हम करते हैं लास्ट तक। जी सना मूवीज़ हाँ। के बैनर की तरह हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सना मूवीज़ बैनर जो है वो, मतलब बहुत सारे मैंने बोला ना अभी मैंने किया है 3-4 प्रोजेक्ट भी, बट ये जो बैनर है ये बहुत कुछ मौका देता है आपको खेलने का, कुछ करने का, हर एक चीज़ में छोटी से छोटी चीज़ें जैसे कि भोजपुरी इंडस्ट्री मैंने बोला डेवलप हो रही है, इन्हीं चीज़ों को देखते हुए मैंने बोला है कि एक जो आर्टिस्ट होते हैं कुछ बोलने से पहले उनकी रिक्वायर्ड पूरी होती है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे काम करके, और सीखने को जो मिला है ना वो एक्सपीरियंस तो मैं कभी नहीं भूलूँगी। थैंक्स।